हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और आप मुझे देख रहे हैं ETU स्टूडियो पे। आई रन ए डिटेलिंग स्टूडियो विद द नेम ऑफ डिटेलिंग डेविल्स रेड कार्पेट, जो कि है गुरुग्राम में। यहाँ के सारी डिटेल्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की एंड मस्कुलर है। ऑफ रोडिंग में इसका नाम हमेशा लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा केपेबल है एंड इसका रोड प्रेजेंस सारी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। बात करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर। तो अब PPF का फायदा क्या होता है ना, देखो यहाँ पे ना गाड़ी पे एक एक्सटर्नल पेंट सोर्स के नीचे थी और यहाँ पे पेंट गिरा हुआ है। अब ये गाड़ी का पेंट गाड़ी के बॉडी पे नहीं है, ये PPF पे है और जब हम इसको रिमूव करते हैं ना तो गाड़ी का जो पैनल है ना वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। अगर यही सेम चीज़ ना अगर गाड़ी के ऊपर गिरता तो उस पैनल को हमें पेंट करना ही एक ऑप्शन बचता। प्लस देखो इस पार्ट पे नीचे PPF नहीं था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और ये डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें इस पर पेंट वर्क करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम पेंट करेंगे और इसका पूरा PPF रिमूव करेंगे। ग्रेजुअली आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, गाड़ी का जो एक्चुअल कलर है और PPF लगने के बाद। एक साल पहले इस पर PPF लगा था बट PPF की क्वालिटी वैसी नहीं थी कि सेम कलर को मेंटेन कर पाए एंड काफ़ी ज़्यादा पीला पड़ चुका है। तो अब इस पूरे गाड़ी का जो ओवरऑल लुक होगा ना बिफोर एंड आफ्टर के शॉट्स में आपको दिखेगा और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। लैंड रोवर का जो पहला डिफेंडर का मॉडल था वो ईयर 1983 में बना था। 1990 में इसको पहली बार डिफेंडर एक अलग ब्रांड के साथ लॉन्च किया गया था एंड ये US मार्केट में 1993 में लॉन्च हुई थी सबसे पहली बार। और जी हमारे पास एक और डिफेंडर आई है। आज डिफेंडर का दिन है और ये वीडियो भी डिफेंडर के ऊपर है। तो ये डिफेंडर भी काफ़ी अलग है अपने एग्जिस्टिंग जो डिफेंडर अपने पास खड़ी है। अब क्या अलग है ग्रेजुअली वो अभी आपको दिखाते हैं। I was very very happy to see both the defenders in different color, क्योंकि इनका color different था, इनका interiors different था और different था इनका engine, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पे एक गाड़ी customer चंडीगढ़ से लेके आए थे और दूसरी गाड़ी थी मेरे सबसे close friend की। अब इससे पहले कि मैं दोनों गाड़ियों में आपको बताऊँ कि दोनों गाड़ियों में होने क्या वाला है और इसमें क्या क्या चीज़ें changes कर रहे हैं, तो ये गाड़ी देख सकते हो कि ये गाड़ी है फ्यूजी वाइट और इसका जो PPF है वो जिसकी गाड़ी है उन्होंने एक साल पहले कराया और एक साल में PPF की इतनी ख़राब हालत है कि PPF पूरा येलो पड़ चुका है और जो गाड़ी का ओरिजिनल कलर है ना वो पूरा डल दिख रहा था। तो इसका पूरा PPF हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं है और इस गाड़ी का जो लुक आना चाहिए फाइनल वो नहीं आ रहा। प्लस ये गाड़ी हमारे पास आई है चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ टेम्परेरी नंबर है। दोनों गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों डिफेंडर है, दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बट एक है ब्लैक, एक है वाइट, एक है 2 लीटर 4 सिलेंडर और दूसरी है 3 लीटर 6 सिलेंडर। इसको कहते हैं P300 क्योंकि ये 300 BHP प्रोड्यूस करती है एंड दिस इज P400 जो कि प्रोड्यूस करती है 400 BHP। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर इस गाड़ी को आप ध्यान दोगे तो इसमें कोई भी फुटरेस्ट नहीं है जो कि उस गाड़ी में है, बट अगर हम इस गाड़ी को खोलते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल फुटरेस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। प्लस इंटीरियर्स की अगर हम बात करें
तो इसका जो पूरा इंटीरियर है ना वो है ब्लैक, वो पूरा का पूरा ब्लैक डार्क इंटीरियर है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस इसके जो सेंटर कंसोल पे वुड फिनिश दिया हुआ है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस अगर हम वही बात करें इस डिफेंडर की जो कि है 2 लीटर, तो इस पे टैन इंटीरियर्स है और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वाइट गाड़ी, ब्लैक गाड़ी, मतलब डिफेंडर गाड़ी ऐसी है ना कि आज डिफेंडर इतनी ज़्यादा डिमांड में है। अगर इस गाड़ी को आप लेने जाओ तो इस पर 6-6, 8-8 महीने की वेटिंग है और गाड़ी ये बन के आती है यूके से, तो ऑलमोस्ट ये 1.3-1.35 करोड़ आती है गुड़गांव में। और वहीं 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर वाला जो इसका इंजन है P400, वो पड़ता है ऑलमोस्ट 1.65-1.7 करोड़ का। इसमें एक और ऑप्शन आता है विच इज V8, लेकिन आई थिंक इंडिया में वो काफ़ी कम बिकती है और काफ़ी कम लोग उसको प्रेफर करते हैं, बट दैट इज द मोस्ट पावरफुल लैंड रोवर डिफेंडर। अब ये तो नॉलेज थी इन गाड़ियों के इंजन एंड इंटीरियर से रिलेटेड, अब इस गाड़ी पे हम करने क्या वाले थे। मेरे दोस्त ने PPF कराया था 1 साल पहले, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं था और उसका PPF कहीं ना कहीं येलो पड़ चुका था, उसको हमें चेंज करना था, कुछ कस्टम पेंट जॉब करने थे क्योंकि गाड़ी पे आया हुआ था डेंट जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्लस साथ में जो ब्लैक डिफेंडर आई थी उस पे हमें करना था कुछ एक्सेसरीज का काम, जो एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट हम इंस्टॉल करने वाले थे, प्लस उनके कुछ पेंट जॉब जो कि हम देने वाले थे उनके एलॉयज को। तो जी हमने पूरी गाड़ी का ना PPF निकाल दिया है, बस एक पैनल आपके रेफरेंस के लिए हमने छोड़ा है। अब आप गाड़ी का ना कलर देख सकते हो कि इस ये एक्चुअली गाड़ी का ओरिजिनल कलर है जो कि है फूजी वाइट, और ये गाड़ी का वो कलर है जो PPF लगाने के बाद, और ये PPF लगाए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं और 1 साल के अंदर पूरा PPF ना डल हो गया है, पूरा येलो पड़ गया है। और ग्रेजुअली जब हम इसको निकाल रहे थे तो इसमें काफ़ी जगह से ना इसमें गम छूट रहे थे, मतलब ये जो गम रिलीज़ कर रहा था प्रॉपरली रिमूव नहीं हो रहा था, प्लस बहुत जगह PPF ना फट जा रहा था। तो ये होता है, एक अच्छा PPF अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपकी गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है जो कि होना चाहिए वही आपको बाहर भी दिखेगा, बट एक ख़राब PPF अप्लाई करोगे ना तो आपके गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है ना वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाएगा और आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीली दिखने लगेगी। डिफेंडर प्राइमरीली 3 वेरिएंट में आता है, 90, 110 एंड 130। इंजन ऑप्शंस तो अलग होते ही हैं, बट इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं लोडिंग के। यहाँ पे जो कस्टमर को एलॉयज मिले थे वो सिल्वर कलर के थे और ब्लैक के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, सो वी डिसाइडेड टू पेंट दोज एलॉयज इनटू ग्लॉसी ब्लैक ताकि पूरी गाड़ी को एक माफिया लुक मिल पाए। Thank you.
अब जितने भी एक्सपेंसिव गाड़ी हमारे पास आती है ना, हम उनको हमेशा रेकमेंड करते हैं कि गो फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पीपीएफ दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। और यहाँ पे हमने दोनों ओनर्स को रेकमेंड किया कि आप हमारी जो बेस्ट है विच कम्स विद अ 10 ईयर्स ऑफ वारंटी, विच हैज अ थिकनेस ऑफ 220 माइक्रॉन्स, जहाँ पे सेल्फ हीलिंग लेयर आपका इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग है, ताकि आपको ना हीट ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, वो पीपीएफ अप्लाई कराओ। इनफैक्ट आप भी अगर अपनी गाड़ी पे पीपीएफ या कोई भी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई करवा रहे हो तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फिल्म बहुत ही अच्छी दिखती है, बट क्या वो फिल्म एक साल बाद भी वही परफॉर्मेंस दिखा पाएगी, वो जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डिफेंडर जो वाइट वाली थी उसमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का काफी ज्यादा इश्यूज नजर आया था और फिल्म पूरी की पूरी पीली पड़ चुकी थी, पूरी गाड़ी का कलर व्हाइट से येलो की तरफ तब्दील हो गया था और यहाँ पे कस्टमर के जितने भी पैसे लगे थे वो सारे वेस्ट गए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ चीपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, गो फॉर द ब्रांडेड वन एंड चेक बिफोर यू गेट इट इंस्टॉल्ड। ब्लैक, क्या सुंदर लग रही थी। हमें वेट था कस्टमर का, क्योंकि वो अपनी गाड़ी पहली बार मॉडिफाई होते हुए देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे डेफिनेटली खल रही थी वो थे कैलिपर्स। कैलिपर्स में हमने कस्टमर को रेकमेंड किया था कि इसको भी हम कुछ करते हैं, बट शायद जब गाड़ी हमारे पास रेक्टिफिकेशन में आए तब हम इस पर कुछ काम करें। बट ओवरऑल गाड़ी का लुक चुम्मेश्वरी। जो डिटेलिंग थी वीवर, जैसे भैया वॉज सेइंग कि वीवर वरिंग की है, ठीक लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने टच करके सारी चीज़ें फील करके भी देखा है, जैसे एजेंसी से आया था सेम सारी चीज़। अब यहाँ पे जो ब्लैक डिफेंडर थी उनके क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि वो एक्सेसरीज लैंड रोवर से नहीं लेना चाहते थे, बट ऑब्वियस रीजंस के साथ, बिकॉज वो एक्सेसरीज लैंड रोवर पे सेम एक्सेसरीज का प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमने उनको लैडर, पीछे का बॉक्स एंड स्टेपनी कवर इंस्टॉल करके दिया था, एंड वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस में। और जी ये गाड़ी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड की है। इस गाड़ी में मैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं अपनी गाड़ी को छोड़ के ट्रैवल किया होगा ना तो इसी गाड़ी में किया होगा। इसकी भी डिलीवरी बहुत ही स्पेशल बट इनफॉर्मल होने वाली है, क्योंकि ये तो घर की गाड़ी है।
डिटेलिंग डेविल रेड कारपेट भाई, ये एक ही स्टोर है इंडिया का जो रेड कारपेट है। और भाई आने वाले टाइम में ना इंडिया का सबसे बड़ा डिटेलिंग डेविल्स मतलब डिटेलिंग का स्टूडियो बनने वाला है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, गाड़ी तो जब ली थी जब भी अच्छी थी, और ये इंसान मेरे साथ ही था हमेशा। बट एक चीज थी कि भाई कैलिपर्स पे जो ब्लैक और साथ में ये आया ना, ये विकास भाई ने जो बोला है कि भाई ऐसे करवा दे, नो डाउट बुरे लग रहे हैं, पर आपको कैसे लग रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग काम है। ऊपर से आप साइनिंग देख रहे हो, गाड़ी इतने दिन बाद चमकी हुई दिखे तो दिल खुश हो जाता है, दिल भी ऐसे साइन कर रहा है मेरा आज विकास भाई को। मैं कह रहा हूँ पार्टी करने चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? सही है, बट डिलीवरी हमारी लेट हो रही है पार्टी के टाइम पे। इसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके हम सीधे। बट नहीं भाई, काम एक नंबर का है। मैं तो डेली देखता था काम, पर आपको नहीं दिखा पाया। बट हाँ सच में काम एक नंबर है। आप देखोगे ना सामने से, देखो कैमरे में वो चीज आपको नहीं दिख पाती जो आप सामने आंखों से देख पाओगे, बट कैमरे में आपको ना फर्क तो दिख रहा होगा कि पहले गाड़ी कैसी आई थी और अब गाड़ी में कैसे हो गया। ऐसे लग रहा है खुद चमक रही है ये। अब जाके देखो विकास भाई क्या चमकेगी। और भाई आपको पता है आने वाले कुछ दिनों में इंडिया का सबसे बड़ा डिटेलिंग स्टूडियो हमारे भाई का होने वाला है, वो भी डिटेलिंग डेविल रेड कारपेट। तो भाई इसके लिए भी एडवांस में कांग्रेचुलेशंस भाई, भाई दोनों भाई का है। एंड मतलब इसी तरह बहुत सारी गाड़ियां आते रहे, इसी तरह बहुत सारे लोग आते रहे और आप सबका प्यार आता रहे, और आप अपना प्यार के साथ साथ अपनी गाड़ियां भी भेजते रहे और अपना काम करवाते रहे। अगर आपको लग रहा है अपनी गाड़ी में काम नहीं है, कहीं जाओ थोड़ा सा टच करो, आओ पीपअप कराओ, मौज लो। ये चीज़ है, देखो कुछ कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर मान लो आपकी गाड़ी में कहीं टचिंग नहीं हो रही है तो रिक्शे वाले बहुत है, उनको बोलो भैया जी अपने आर्ट दिखाओ यहाँ पे। चलो भाई बाकी गाड़ी लेके हम यहाँ से निकल रहे हैं घूमने के लिए। पार्टी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।